सुनिए, पूजा शुरू ही होने वाली है, आप भी यहाँ पर। सुनिए, आप रुकिए। रुको बेटा, इस तरह से पूजा को बीच में छोड़कर उठना अपशगुन होता है। पहले देवी की जान लेवेंगे, या फिर हो सके है कि पूरे चौहान परिवार का नामो निशानी मिटा देंगे। पता ना चले माजी सा, पर देवर साना बहुत ही गुस्से में निकले हैं। मारे को तो लगे है कि आज ना कुछ अनर्थ जरूर होवेगो। अब पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। अधिराज, यहां पर इस तरह से देवरानी सा, देवरानी सा, देवर सा को सब पता लग गया और आप यहां बैठे हो। देवर सा तलवार लेके थारे थारे काकू सा की फैक्ट्री की तरफ निकल गए। कुछ नहीं होगा जेठानी सा, मुझे मेरे भगवान पर और उन पर पूरा भरोसा है। मेरी पूजा जरूर पूरी होगी और मेरी देवी माँ सब ठीक करेगी, मुझे विश्वास है। वो मुझसे चाहे जितनी भी नफरत करे, पर वो एक अच्छे बेटे है, ये मैं जानती हूँ। अब डरिए मत, सब ठीक होगा। छोरी देवी चौहान अगर जिंदा है तो कोई बात ना से, मारे को मारे बाबा सा की कसम, उसकी जिंदगी अगर नरक से बात करना नहीं तो मैं अपने बाबा सा की औलाद नहीं।
इंद्रजीत रजावत तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है। आज इनके आशीर्वाद से मेरी प्रेस फिर से शुरू हुई है। जिसके आशीर्वाद से किसी की रोजी रोटी चले तो उसका तो आशीर्वाद लेना जरूरी बनता है ना। इसलिए हमने आज इस पूजा में तुम्हारे पिताजी की तस्वीर लगाई है चौहान परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये तस्वीर अब हमेशा यहीं रहेगी। इनके आशीर्वाद के साय में मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। बेटी, दशहरे की पूजा और हवन तो संपन्न हो गया, माता रानी से प्रार्थना कर लो। ओम मंत्र इनम क्रिया इनम भक्ति इनम जनार्दनम यत पूजित माया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। बेटी, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुमने नव दुर्गा माता की पूजा पूर्ण की। सच में साक्षात माता रानी का आशीर्वाद तुम्हें। बेटी, इस प्रतिमा को अपने कमरे में सही स्थान पर स्थापित कर देना, उससे तुम्हें सदैव शक्ति प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, अब हमें अनुमति दो। सौभाग्यवती भव। मासा, देखिए पंडित जी ने मुझे क्या दिया। बड़ी पूजा करती फिर है ना, पर मारे को हमारे लाड़े सर पे पूरा भरोसा है। वो अपनी माँ सा की हर खुशी जाने है। इब देखना हमारा लाड़े सर के करे है, थारे परिवार का के हर सर करे है। बेटा अधिराज, तुमने भले ही गुस्से में देवी से शादी की हो या माजी साहब का चौहान परिवार से बदला लेने के लिए की है, लेकिन बेटा तुम्हें जाने अनजाने में ही एक ऐसा कोहिनूर का हीरा मिल गया है जिसने हमेशा उसके मायके में रोशनी फैलाई है। बेटा तुम देखना, देवी की चमक से तुम्हारी किस्मत भी रातों रात पलट जाएगी, तुम और भी तरक्की करोगे। बहुत विश्वास का राग आला पे है ना तू, आज पता चलेगो असली विश्वास के होवे। आपने ठीक कहा मासा, मुझे सच में पूरा विश्वास है अपनी देवी माँ पर। आज मैंने उनकी पूजा पूरी की है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब देवी माँ मेरे मायके और मेरे ससुराल दोनों में से कहीं पर भी कुछ भी बुरा नहीं होने देगी। आ गया हमारा लाड़ी सर। लाड़ी सर बता इसने के किया है तूने, और बंद कर उसकी जबान। कुछ ना हुआ मासा, पर होगा, कल से प्रेस का काम शुरू हो जाएगा। पर देवर साथ है तो भाभी साहब, इस घर में किसी की इतनी हिम्मत ना है जो हमारे से सवाल करे। अच्छा, बस है वो। अब तू मारे को मतलब समझावेगा, हमारा लाड़े सर भी हमारे लिए क्या अधिराज रजावत बन गया है ये समझा कि तूने वो भरत चौहान की फैक्ट्री में पूजा कैसे होने दी। इतना पूछने का तो हक मासा को अपने लाड़े सर, ना लाड़े सर नहीं, अधिराज रजावत से है ना। मासा थारे से ऊपर कोई ना है, कुछ भी ना है, और हमारे बापू साहब
मारा मत बनाया कि बाबा साहब के आशीर्वाद से ये पूजा शुरू होगी। हमारे बाबा साहब के आशीर्वाद से ये प्रेस का काम शुरू होगा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अभी तो ठीक है, मैं इंद्रजीत रजावत की फोटो रखकर ही शस्त्र पूजा करूंगा। आखिर उनके नाम की वजह से ही हमारी प्रेस फिर से शुरू हो गई। अजीब बात है ना माँ, अधिराज को आप पे भगवान पे कोई विश्वास नहीं और मेरे आप पर के इसी विश्वास की वजह से आज मेरे काकोसा की प्रेस बच गई। थैंक यू देवी माँ, मेरे और मेरे परिवार की मदद करने के लिए। जब मेरी माँ का तेज इतना हो तो उनको विराजमान करने की जगह भी कुछ खास होनी चाहिए ना। अभी आप इसी जगह से काम चला लो माँ। तो दादीराज, ये मेरी देवी माँ है, इनको परेशान मत करना। हाँ जिस तरह भगवान राम दिवाली पर अयोध्या लौटे थे वैसे ही रजावत हवेली में दिवाली आपको अपने सही स्थान पर स्थापित करने के बाद ही मनाई जाएगी। 15 दिनों के अंदर आपको अधिराज रजावत के कमरे में आपके उचित स्थान पर स्थापित करके रहूंगी मैं, ये वादा है मेरा। अधिराज रजावत, बहुत हो गई नफरत की लड़ाई, अब देखना है विश्वास और अविश्वास की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। आपको सही जगह पर स्थापित करने का आज मेरा पहला प्रयत्न होगा। संभल कर देवी, किसी ने देख लिया ना तो रजावत हवेली में भयंकर भूचाल आ जाएगा। रुक! कह रहे हैं ना, विनाश के आगे बिन बजाने से कोई फायदा ना हो,
तारे को बोला है कि वो कमरे में जाने की कोई जरूरत ना है, पर तारी मोटी बुद्धि में ये बात आवे ही नहीं। बस मौका देखे है हमारे लाड़े सर के कमरे में घुसने का। मासा, जो काम आपने दिया है वो एक नौकरानी मना तो नहीं कर सकती ना। मैं बस कपड़े धोने जा रही थी तो सोचा इनके कपड़े भी देख लूं और लगे हाथ सफाई भी कर लूं। कोई जरूरत ना है, घर में और नौकर है जो काम काज करे है। मासा, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए ना आप सबकी, और वैसे भी मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। बड़ी आग लगी है थारे को ये कमरे की सफाई करने की, क्या बात है थर्मन में चल क्या रहा है? आग में तप कर ही तो सोना कुंदन बनता है ना मासा, तो मैं अपनी सफाई से कमरे को एकदम कुंदन की तरह, मेरा मतलब है कमरे को ही नहीं पूरे घर को कुंदन की तरह चमका दूंगी। रुक छोरे, अपने आप को बहुत होशियार समझती है तू, बाहर बड़ी बड़ी बातें करे है और भीतर जाके के करने वाली है मैं जानू। ये देवी माँ की मूर्ति मारे लाड़ सर के कमरे में स्थापित करना चाहे तू? के चाहे है तू मारे को मारे लाड़े सर के सामने नीचे दिखाना चाहे? पर एक बात कान खोल के सुन ले तू छोरी, ना जे घर तारा है ना कमरा और ना अधिराज। के हुआ मसा? लाड़े सर देख ये छोरी के करे है, मारे को पता होना था कि तारे फैसले अब ये छोरी लेगी। मारे मना करने के बावजूद ये छोरी ये मूर्ति थारे कमरे में स्थापित करना चाहे। अरे मासा, मासा, थारे से कितनी बार कहा गुस्सा मत किया, अभी देखना। तो फिकर रखा मासा, अभी वो छोरी को तुम्हारे वाले करते हैं, मैं देखता हूँ क्या कर रहा है, तू अपनी सेहत का ध्यान रख। चल ये कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? देवी माँ मदद कीजिए, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए जिससे मैं आपको आपके सही स्थान पर स्थापित कर सकूं।